इस वक्त हम माधव नगर वार्ड नंबर 18 में मौजूद है, जहां आप दृश्य देख रहे हैं किस तरीके से बिन बारिश के यहां मौसम किस तरीके से पानी लगा हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर यहां पे माजी नगर सेवक लकी और फरहान मौजूद है, महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे पूरे इलाके में इतना पानी कैसे लगा है। ये आप बता सकते हैं कैसे इतना पानी लगा है वार्ड में? मेरे को जस्ट अभी फोन आया मेरे को अभी, तो मैं यहाँ पे आया अभी, अभी यहाँ पे जेसीबी भी लाया मैंने, सेक्शन पंप भी मैं बुला रहा हूँ अभी। अभी यहाँ पे जो कचरा कुंडी जी था, यहाँ पे स्लैब गिरा है, इसलिए वो पानी रुका है। और क्यों, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी साफ करके देखे ना। कौन कौन है आप लोग यहाँ पे मौजूद? अभी मैं हूँ, हमारा ऐसा है यहाँ पे फिलहाल गार्ड के करके आए हम लोग यहाँ पे, और कर्मचारी माझी नगर सेवक लकी और फरहान मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, इस वार्ड के जिम्मेदार हैं, किस तरीके से यहाँ पानी लगा? स्वागत है आप। अचानक से यहाँ स्लैब बैठ गया नाले का, और नमाज का टाइम था, सब लोग नमाज पढ़ने गए थे, मैं भी नमाज में था, नमाज बाद मुझे फोन आया ताबड़, तो मैं पहुंचा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा पानी बहुत ज्यादा जमा था और स्लेब पूरा जाम कर दिया है, जो पीछे से जितनी गटरे है वो सब रुक गई, जहाँ जहाँ जो गटर है सब पूरा पानी बह के बाहर निकला, लोगों के घर में पानी गया, और जुम्मा का दिन था, लोगों को तकलीफ भी हो गई बहुत। जब से फिर मैं लगा हूँ जेसीबी लगा के, फिर ब्रेकर जो स्लेब तोड़ने वाला ब्रेकर आता है उसको भी मंगाया हूँ मैं, महानगर पालिका के अधिकारी जिनके नीचे से लेके हेड ऑफिस तक सबको फोन किया, और सब वक्तन फोक्तन अपना अपना आदमी भेज रहे हैं, थोड़ा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ हल निकला नहीं है। हम लोग कोशिश में लगे, इंशाल्लाह एक घंटे में पानी अपन क्लियर करेंगे। और हम लोग नमाज नहा धो के गए, नमाज से आए तो पूरे घर में हम लोग के पानी भर गया, ना सुबह से खाना नसीब हुआ है ना पानी। ये लोग को बोलो तो बोलता है मेरा काम नहीं है, उसको बोलो तो बोलता है मेरा काम नहीं है, किसी को बोलो कोई सुनने को राजी नहीं है यहाँ पे, मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं ये लोग म्युनिसिपैलिटी वाले। आप दोषी किसको मानते हैं? आपके पीछे वार्ड नंबर 18 के माजी नगर सेवक मौजूद है, मनपा के अधिकारी मौजूद है, जो इतना पानी आया तो मतलब शासन की लापरवाही या स्थानीय नगर सेवक की, किसको आप मानते थे? देखो दोषी तो मैं किसको मानू किसको नहीं मानू, ये लोग को तो बोलो तो ये लोग सुनते ही नहीं, कोई भी लक्की भाई को बोलो तो आते है, जब बुलाओ जब आते है, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, उनको जब बुलाओ जब आते, जो प्रॉब्लम थे वो भी दी थे वो करा के लिए। अभी जो ये था इसको तो बोले थे सलमान को, तो बोले हो जाएगा भाई, पैसा पास हुआ उसका काम चालू है, तो अभी तक तो काम हुआ नहीं, मगर घर में पानी भर गया ये जरूरी है।